खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आपकी शादी हो गई है? नहीं हुई है? नहीं नहीं, मैं जानता हूँ हो गई है, लेकिन बताना नहीं चाहते, कोई बात नहीं। खैर, क्या फर्क पड़ता है शादी हुई है नहीं हुई है, किसी ना किसी की कभी ना कभी तो शादी होगी। अब कब होगी, क्या होगा, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आज शादी के हिसाब से पूरे एपिसोड में क्या खाना बन सकता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। भाई, शादी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे होता है। अब शादी के दिन क्या खाना होता है, शादी से पहले या फिर शादी के बाद, हमेशा खाना जो है कहीं ना कहीं आप शादी से रिलेट कर सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि अरे शादी से पहले खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन शादी होते ही इतना खाना बनाना पड़ता है कि आप जानते नहीं हैं। तो देखते हैं कि क्या खाना बना सकते हैं। लेकिन जो मेरे पास चीज़ें दिख रही हैं, ये खाना खजाना की चीज़ें नहीं दिख रही हैं, पीना पिलाना की कुछ दिख रही हैं। तो इससे मैं क्या बना सकता हूँ, मैं सोचता हूँ। देखिए, ये जो आज के पूरे एपिसोड में मैं चीज़ें आपको बताऊँगा, वो ऐसी जो अगर आपने शादी में केटरिंग खुद करनी है, करवानी है, होटल में करनी है, तो कुछ आइडियाज़ तो आप दे ही सकते हैं ना। तो चलिए एक बनाते हैं ये ड्रिंक। ये जो ड्रिंक हमने बनानी है, इसमें ढेर सारी बर्फ़ चाहिए, आइस। और आइस के साथ साथ ये मेरे पास है खस सिरप, और फिर उसके साथ इसमें कुछ हमने डालने हैं पुदीने के पत्ते, मिंट लीव्स, और उसके साथ साथ थोड़ा लेमनेड ये इसके अंदर डालना है, और उसके साथ इसमें नींबू चिया, ये डालकर इसे मिक्स करना है। ये देखिए, क्या था आपको बताएं, बस इसमें जो कमाल है वो है बर्फ़ का। आइस जो है थोड़ी ज़्यादा चाहिए, ये देखिए इस तरह से आइस ज़्यादा होनी चाहिए, और इसको आप ढेर सारा बनाएं। और लेकिन उसको सर्व करने के लिए जो ग्लास है वो बढ़िया सा ग्लास होना चाहिए। ऐसा नहीं हो इसको आपने स्टील के ग्लास में सर्व किया, ऐसा बिल्कुल ना करिए, अच्छे ग्लास में सर्व करें। अब शादी में कोई अपना नाइट सूट में थोड़ी शादी होती है, थोड़ा सजा के उसी तरह से इसको बनाएं, पिएं, पिलाएं। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद इसका रिकैप। इसके लिए हमें चाहिए 4 बड़े चम्मच खस सिरप, बर्फ आवश्यकता अनुसार 10 पुदीने की पत्तियां, 4 ग्लास लेमनेड और 2 बड़े चम्मच नींबू का रस। इसे बनाने के लिए मिक्सिंग में बर्फ, खस सिरप, पुदीने की पत्तियां, लेमनेड और नींबू का रस डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे किसी स्टेम्ड ग्लास में निकाल कर सर्व करें।